आपको बताएं कि बानी चेयरमैन पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानत खारिज होने को चैलेंज किया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जी एन एन इबादुल हक से। इबादुल हक बताएगा कि लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया। ये 2 रुकनी बेंच था जिसने तमाम वकला के दलाइल सुने, तरफैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया। तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन ने अपनी जमानतें खारिज करने जो 9 मई के मुकदमा थे उसको चैलेंज किया था और दरखास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सके और अदालत ने इसी बुनियाद पर दरखास्तें जो है मुस्तरद कर दी। इन दरखास्तों को बहाल किया जाए और जो इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला है उसे जो है कालेदम करार दिया जाए। कालेदम करार दिया गया है। बादुल हक साथ ही रहेगा।